पास के सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकली। भक्तों को महाकाल ने दो रूपों में दर्शन दिए। अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में मनमहेश और हाथी पर चंद्रमोलेश्वर रूप में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। मंदिर प्रशासन ने इस बार भी नए मार्ग से सवारी निकाली। दोपहर 3:30 बजे मंदिर के सभा मंडप में कलेक्टर आशीष सिंह ने भगवान के मनमहेश रूप का पूजन किया, जिसके बाद भगवान पालकी से नगर भ्रमण के लिए रवाना हुए। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी अवंतिकानाथ को सलामी दी। इसके बाद कारवा बड़ा गणेश मंदिर के सामने से हरसिद्धि चौराहा, झालरिया मठ के रास्ते से सिद्ध आश्रम होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंचा। यहां शिप्रा जल से भगवान का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना पश्चात सवारी रामानुज कोट हरसिद्धि के पाल होते हुए हरसिद्धि मंदिर के सामने पहुंची। यहां शक्तिपीठ हरसिद्धि के पुजारी ने पालकी का पूजन किया। शाम करीब 5:30 बजे पालकी पुनः मंदिर पहुंची। उज्जैन से पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट। सवारी निकल चुकी है, किस लोगों के साथ निकली है, क्या कुछ सवारी में रहेगा? बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को भगवान महाकाल की परंपरागत तरीके से भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है। उसके बाद भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर और हाथी पे सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। मन महेश और चंद्र मोलेश्वर के स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान महादेव के दरबार के अंदर वही लाव लश्कर और वैभव पूरी जगह पर देखने को मिलता है। सिर्फ दर्शनार्थी जो है वो इस समय कोरोना के कारण भगवान महादेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, पालकी सवारी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी समस्त जो बाबा के बैंड बाजे हैं, हाथी है, कहार है, मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार है, समस्त बाबा महाकाल के आनंद के साथ में माँ शिप्रा की पूजन और पूजन के पश्चात पुनः बाबा महाकाल के दरबार में आई है। जय महाकाल।